रोके उसको तो मेंटेन करवाता है सारा जो है। उसके बाद मरने के लिए 65 साल के लिए वेट करता रहता है कब दफनाया जाएगा। इसलिए किसी का भी स्थिति ना आए, ये बता दिया, किसी का भी स्थिति ना आए, पहले जिंदगी जियो और उसके बाद जो है, उसके बाद जो है जो पढ़ाई करना है। अभी थोड़ा सा टाइम खराब चल रहा है और ये टाइम जो है हर लोगों का जो है जिंदगी में आता है, वो आया है अभी, इसलिए थोड़ा सा भी पढ़ाई कर ले, ठीक है, 16 घंटा करके पढ़ ले। पढ़ने के बाद आपका जो है नौकरी वाली सेटल हो जाएगा, 1 साल 1.5 साल कुछ होगा, 2 महीना 6 4 महीने में हो जाएगा, कुछ महीना किसका 1.5 साल लगेगा तो हो जाएगा, ठीक है। नहीं ऐसा है, जितना लोगों का होता, जितना लोगों ने किया है अभी तक, आया तो इसी बार हो जाएगा, और अगर नहीं भी हुआ तो 1 साल और करना पड़ेगा, बट हो जाता है अगर जो पूरा लगा रहता है कि मैं करके छोड़ूंगा, हो ही जाता है। आप उसके बाद जाके जिंदगी जीना शुरू करें, और ऐसे ना हो कि बस एकदम जिंदगी खत्म हो गया बैठ रहे हैं। मेरा एक बहुत ही मतलब ये मतलब बैड एक्सपीरियंस है, जो हमारा एक बैच, हमारा बैच का जो इंजीनियरिंग वाला बैच था, 65 कैंडिडेट था, महापत्र करके फ्रेंड था, महापत्र अभिजीत महापत्र, ये अगर नहीं होता हम इंजीनियरिंग नहीं पास नहीं कर पाता। एक ऐसा कैंडिडेट है, पूरा एकदम काम में लगा रहता था, सारा क्लास एकदम अटेंटिवली करता था, अच्छा से नोट बनाता था, फिर घर में आके उसको रिफेयर करके किताब में देख के और अच्छा नोट बना कर रखता। तो हमें पता है कि महापत्र बना रहा था, हमारा तो जरूरत है। फिर एग्जाम से पहले उससे जेरोस कराते थे, जेरोस करा के जुगल लगाते थे, जुगल लगा, हमने 2-4 ऐसे लोग बना कर रखे थे कि हमारा जो है हम उसको बताएंगे, क्योंकि पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ उसको देख देख के उसको बताएंगे, फिर उसमें जितना दिमाग में घुसा घुसा फिर जगह एग्जाम देंगे। तो ये जो चीज है, ऐसे करके वो बंदा का नहीं होता तो हम, मैं भी इंजीनियरिंग नहीं पास किया होता, ठीक है। ऐसा ही कैंडिडेट था, और वो उसके बाद सिर्फ नॉट ओनली इन कॉलेज से निकलने के बाद पूरा जो 65 बंदा क्या क्या कर रहा है, कौन कहाँ पे है, किसका क्या हालत है, सारा इंफॉर्मेशन, सारे से सब कम्युनिकेशन हमें सारा रहता था। पहले तो सब जो व्हाट्सएप नहीं था, तुम्हारा ईओ ग्रुप बना हुआ था, ऐसे ऐसे सब जुगाड़ बनाया था, तो जो सारे जो है इन्फॉर्मेशन रहता था। ये बंदा बेहद मतलब केयरिंग भी था और खुश भी रहता था। अब जाके उसका शादी हो गया। अब कुछ दिन पहले ही हुआ था, तो हमने मिला नहीं, फिर जाके पिछले साल गया था, जैसे हमारा छुट्टी मिलता ना अभी, तो गया था, तो मैंने बोला चलो मोहम्मद से मिल के आता है, तो दुर्गापुर में गया, थोड़ा दूर है हमारे घर से, तो फिर भी गया, जाके बोला देखते हैं बंदा क्या कर रहा है। तो जाने के बाद देखा इसे तो गया। उसके बाद वो बंदा के बोल रहा है कि हमारा जीने का तो अच्छा पल था वो खत्म हो गया, वही बच्चा हुआ है, जीने का जितना अच्छा टाइम था वो बीत गया, अभी हमारा जीने का बहुत घटिया टाइम आ गया। मतलब ऐसा हालत में है बंदा का, क्या बताए, ठीक है। जितना लोग ऐसे लगता है, जितना लोग ऐसे लगता है कि शादी के लिए जितना तड़पते रह रहा हूँ, एक बार शादी हो जाए उसके बाद छोड़ने के लिए भी तड़पेंगे तो कुछ होगा भी नहीं, और वो भी नहीं पाएगा। इसलिए आप छोड़ भी देंगे तो दूसरा पाड़ेंगे, वो भी वही मिलेगा, ऐसी है। ऐसा है जुगाड़, हमारा तरह जुगाड़ लगे रखो, कुछ भी नहीं, कोई नहीं, बिंदास खुश रहो, क्या फर्क पड़ा है, खुश रहो। तो अपना अगर खुश रहेंगे जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं है। भाभी कहाँ से है? हम जो है कोई भी काम टाइम के बिना, टाइम से बाद में नहीं किया, शादी करना था 25-26 साल में कर लिया था। क्या बात है, शादी करना तो कर लिया। आप जो है IAS जो निकला हूँ मैंने शादी के बाद, ऐसे शादी के पहले नहीं। जो है कि हमारा जो शादी हुआ था शायद 2006 साल में है। दिसंबर में शादी हुआ था, 2007 में जून में एग्जाम हुआ था, ये उसमें निकला था IAS। जिंदगी में जो है कि वो बोलते ना बैलेंस करना बहुत जरूरी है, अपना काम
और बाकी जो लाइफ है वो भी बैलेंस करना पड़ता है, बट वो बैलेंस करते रहे अपना काम करते रहे, ठीक है, काम काम भी करते रहना है। जितना लोग ऐसे लगता है कि शादी हो जाने के बाद बिगड़ जाएंगे, शादी होने के बाद कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा जो है कि आप अपना जो है अपना अगर ऐसा खो बैठेंगे तो जाके तो फिर जान बनी जाएंगे। समझ में अपना कैपेबिलिटी क्रेडिबिलिटी कभी खत्म नहीं करना है, ठीक है। शादी नहीं, शादी टाइम में करना कर लो, ठीक है। ये हम कभी नहीं बोलेंगे शादी जो बूढ़ा हो जाकर करो, बिल्कुल नहीं। जो है कि अभी नौकरी नहीं है शादी कर लो, ये बिल्कुल सही है। तो उसके बाद जाके जो अपना जो काम है उसमें फोकस रहे, तब जाके आप जिंदगी में कभी परेशान नहीं आएगा। फिर जाके होता है अपना बंदा जो अपना काम में फोकस नहीं है, कुछ नहीं है, फिर जाके जान बन गया, फिर आपका जिधर जाए उधर में जान बनेगा, तो गाली घर में ही पड़ेगा। फिर जाके जो है ना तो धोबी का कुत्ता बन जाएंगे, ना तो घर का रहा, ना तो घाट का रहा। इसके लिए जो है कि आपका क्रिया ठीक रहना बेहद जरूरी है। तो ये जो है कि हमारा जो कमर्शियल